सीधी जिले में एक बार फिर से हुई ब्रूटल रेप की घटना। 65 वर्षीय महिला के साथ किया गया गैंगरेप, गुप्तांग को किया चोटिल। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक महिला के साथ हुई गैंगरेप की घटना से सनसनी फैल गई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में दो आरोपियों ने शराब पिलाकर एक महिला के साथ दरिंदगी की है, जहां गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिए जाने से चारों ओर सनसनी सी फैल गई है और महिला की हालत गंभीर है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उनके साथ रेप की वारदात को अंजाम तो दिया ही, बल्कि आरोपियों ने उसके गुप्तांग को भी चोटिल कर दिया है। गंभीर हालत में पीड़ित महिला का कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं इस पूरे मामले में सीधी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कर आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी सीधी का बयान भी सामने आया है, जहां आइए जानते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। ये थाना कोतवाली के क्षेत्राधिकार की घटना क्रम घटा है, जिसमें 65 वर्षीय जो महिला है उसके साथ में जो है रेप की घटना क्रम आई, जिसमें दो आरोपियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी पुलिस में हिरासत में लेते हुए इसमें जो है अग्रिम जो विवेचना की जा रही है, और साथ ही इसमें अन्य साक्ष्य भी संकलन किए जा रहे हैं। चूँकि जो जिस प्रकार से महिला की एज है और उस परिस्थितियों में कैसे हुआ घटनाक्रम और भी अन्य क्या क्या साक्ष्य इसमें संकलन किए जा सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो या अन्य हम बात करेंगे साइबर के रूप में, तो सारे साक्ष्यों का हम संकलन करते हैं। और ये जानकारी इसमें प्राप्त हुई है कि जो है फरियादिया जो है वह भी शराब में और जो आरोपीगण थे वह भी शराब में नशे में थे और एक दूसरे को परिचित भी थे। लेकिन जैसा कि है पूरा प्रकरण अभी विवेचना में है और विवेचना में जो आए तथ्य है उन तथ्यों के आधार पर इस पर जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस विवेचना में जुटी हुई है। P7 लाइव के लिए सीधी से ब्यूरो रिपोर्ट।